हे गाइज, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माई चैनल इंडियन मॉम कैंटन। सो गाइज, यहाँ पर इन्होंने कुछ सब्जियाँ ला के दी थी मुझे, वही मैं तोड़ रही हूँ। एक्चुअली पालक है, बीन्स है, बीन्स मीन्स वही गवार नहीं, बरबटी, हाँ बरबटी की फली। और उसके बाद मिर्च है, मिर्च तो मैंने तोड़ ली है, बस अभी टोमेटो वॉश करने हैं। और पालक की आज सब्जी बनाऊँगी, बहुत ही टेस्टी वाली। काफ़ी दिन हो गए पालक की सब्जी नहीं बनाई, तो आज मैं पालक की सब्जी बनाऊँगी और उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। तो पालक की सब्जी मैं कैसे बनाती हूँ वो आज आपको दिखाने वाली हूँ। सब्जियाँ काट के रख दूँगी, क्योंकि फिर बाद में जब मैं बनाती हूँ ना, उस टाइम फिर इतना ये नहीं होता है, टेंशन नहीं होता है। तो यहाँ पर मैंने ना कुकर में पहले पालक और दाल चढ़ा दी थी। तो दाल कौन कौन सी ली थी वो भी बता देती हूँ आपको। अरहर की दाल और चने की दाल, तो वो ली थी और उसमें पालक डाल दिया था, और उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल के पहले उसे बॉईल कर लिया। वो बॉईल हो जाने के बाद उसे अच्छे से घुमा लिया, मतलब उसे ब्लेंड कर लिया। और यहाँ पर मैंने ऑयल चढ़ा दिया है। ऑयल चढ़ाने के बाद उसमें जीरा राई डाल दिया है, और उसमें मैंने डाला है ये अदरक लहसुन का पेस्ट। और बस इसे अच्छे से भून लूँगी ताकि इसकी कच्ची स्मेल चली जाए और उसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा आए। अच्छे से भून लूँगी और उसके बाद मैं प्याज ऐड करूँगी, और प्याज को भी अच्छे से होने दूँगी। तो प्याज को अच्छे से होने देने के बाद मैं उसमें सारे मसाले ऐड करूँगी, जैसे कि ये बेसिक से मसाले होते हैं, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, जीरा पाउडर, ये धनिया पाउडर, ये ऐसे बेसिक से मसाले मैं ऐड करूँगी। और मसाले होने के बाद मैं उसमें टोमेटो ऐड कर रही हूँ। टोमेटो को अच्छे से गलने देने के लिए थोड़ा सा उसमें नमक ऐड कर रही हूँ, क्योंकि वो अच्छे से गल जाएंगे टोमेटो, और फिर उसमें हम लोग जो दाल पालक हम लोगों ने बना के रखा है ना, वो उसमें ऐड करेंगे। यहाँ पर देखो टोमेटो बहुत ही अच्छे से गल गए हैं। इस तरह से अच्छे से पेस्ट होने तक गलने देना है, और उसके बाद ही आपको ये दाल पालक उसमें ऐड कर देना है। इतना ज़्यादा टेस्टी बनता है, इस तरह से बना के देखना। अगर आप नहीं बनाते हो इस तरह से तो एक बार बना के देखना, सभी लोग उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। मतलब दाल पालक मेरे हाथों से बनी हुई इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इस तरह से बनाती हूँ मैं दाल पालक। और थोड़ा सा ना, जो आप अरहर की दाल डालते हो ना, उसमें थोड़ी सी चने की दाल ऐड करके देखना, दाल पालक का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इस तरह से एक बार बना के ज़रूर देखना। बस रेडी हो जाएगी दाल पालक। माही को मेरी एक्टिवा सिखाना चल रहा है, माही की ट्रेनिंग चल रही है यहाँ पे। कुछ दिनों के बाद मैं भी 4-व्हीलर की ट्रेनिंग लूँगी इनसे, बट पता नहीं अभी वो दिन कब आएगा। मैं तो वेट कर रही हूँ यार, कब होगा ये। तो यहाँ पर चल रहा है इनका सिखाना, ये देखो। और मेरी कटिंग करके आए, कैसे कटिंग करके आए, ऐसे कर रही तो देखो कैसे हो गई। चंपू पापा नहीं करके दी, क्या करूं। चंपू अच्छा तो दिख रहा हूँ। अच्छा दिख रहा, अच्छा दिख रहे हो आप। अच्छा अच्छा मटकू। तो अभी पता नहीं अभी इनका कब होगा ये खत्म करना। एक दिन में तो कोई सीखता नहीं है, कुछ दिन प्रैक्टिस लेनी पड़ेगी माही की, उसके बाद माही सीखेगी, और उसके बाद उसे आ गई गाड़ी तो फिर अच्छा ही हो जाएगा। फिर मेरी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। ये क्या है अदभी, क्या है ये, क्या है, फिर अदभी की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। हाँ, मेरी होने के बाद मेरी। अरे माजी बारी है बंदे, मेरी ट्रेनिंग। हाँ हाथ में दो हाथ। मैं तो काटे में दूसरे की गाड़ी। हाँ पापा ने हैंडल कर लिया थे। कौन से वो वाले? अरे पापा ने कंट्रोल कर लिया थे। हाँ इसीलिए पीछे कोई बैठने के लिए चाहिए, वैसे गाड़ी सीखी नहीं जाती। अभी दीदी की ट्रेनिंग हो जाने के बाद मेरी ट्रेनिंग होगी। कैसा रहा ट्रेनिंग आपका? कैसा रहा ट्रेनिंग? मुझे तो ड्राइविंग क्लास लगानी पड़ेगी। टाइम कितना हो गया? 30। अरे तो
एक्चुअली यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं हम लोग अखिलेश का बर्थडे। अखिलेश के बर्थडे के लिए इन्होंने केक लाया था और अखिलेश को हॉस्पिटल से लेके आए थे ये। डेली अखिलेश सोने आ रहा था घर पे, तो इसी वजह से वो यहाँ पर ही रात भर रहता था। फिर दूसरे दिन ये लेके जाते थे उसे, और फिर वो उसकी मम्मी के पास रहता था दिन भर। तो अभी बर्थडे केक उसका रेडी है, तो वो केक कट करेगा। मैं ही के बेटा एक्चुअली जब से अखिलेश पैदा हुआ है ना, तब से हमारे यहाँ पे फर्स्ट बर्थडे होगा उसका। और वो भी इस बार ऐसे कि मतलब भाभी यहाँ पर एडमिट है और हम लोग उसका बर्थडे घर पे सेलिब्रेट कर पा रहे हैं। एक्चुअली उसकी मम्मी एडमिट है, तो इसी वजह से उसका मन भी नहीं कर रहा था बर्थडे सेलिब्रेट करने का, बट ये केक लेके आए और केक कट करने के लिए हमने उसको बोल दिया। क्योंकि यहाँ पर बच्चा है और हम उसका केक कट ना करें बर्थडे का, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो इसी वजह से इस बहाने तो कम से कम इस बार वो है हमारे घर पर और हम लोग उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर पा रहे हैं हमारे घर पर। तो चलिए यहाँ पर केक एंजॉय करते हैं। और उस दिन श्रीकांत के बर्थडे के दिन जो केक लाया था ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था सबको, तो वही केक आज इन्होंने लाया है। और आज का भी केक बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा टेस्टी लगा आज का भी केक और उस दिन का भी केक। तो वही केक लाएंगे अभी, पता नहीं अभी सेलिब्रेट ऐसे बर्थडे होंगे तो। और हाँ गाइज, आप लोग पूछ रहे हो कि डेली ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा है, डेली ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा है, बहुत लोगों की कंप्लेंट है डेली ब्लॉग नहीं आ रहा है। तो गाइज आप लोगों को भी पता है, कुछ ना कुछ ऐसे हो ही रहा है, तो इसी वजह से थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई थी और मेरा रूटीन भी बिल्कुल चेंज हो गया था। तो क्या रूटीन आपके साथ शेयर करूँ, कितना भी छुपाओ लेकिन छुपाया नहीं जाता है आपसे। आप पूछ ही लेते हो क्या प्रॉब्लम हुआ है दी, कुछ ना कुछ हुआ है शायद। क्योंकि उस टाइम क्या होता है कि मैं रेगुलर व्लॉग आपके साथ शेयर नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि ना मैं एक बार कुछ सोचने लग जाती हूँ ना, तो उसी में रहती हूँ, मेरा दिमाग उसी में चलता है सारा, और फिर पूरी डिस्टर्ब हो जाती हूँ मैं। और कुछ शूट करने का मन नहीं करता है, कुछ किसी से बात करने का मन नहीं करता है, तो मतलब अभी टेंशन टेंशन ही रहता है हमेशा दिमाग में। तो बस यही रीज़न था कि डेली व्लॉग नहीं आ रहे थे। बट अभी थोड़ा थोड़ा सब कुछ ठीक हो रहा है, मतलब अभी रूटीन में आ रही हूँ, तो रूटीन से पूरा डिस्टर्ब हो गई थी मैं अपने, तो बस अभी रूटीन में आ गई हूँ। तो अभी रेगुलर व्लॉगिंग करूँगी आपके लिए, रेगुलर व्लॉग्स आएंगे आपके लिए, तो वेट करना डेली रूटीन वाले। गाइज आप लोग कितने दिनों से पूछ रहे थे कि दी ये वाला ड्रेस कहाँ से लिया, वो ड्रेस कहाँ से लिया, तो गाइज मैंने आज सोच लिया कि जो भी मेरे फेवरेट ड्रेस है जो मैंने अमेजोन से परचेस किया है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। क्योंकि रिसेंटली कुछ ब्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया है और आप लोगों को इतने ज्यादा पसंद आया कि एक एक का रिप्लाई देना और एक एक को लिंक सेंड करना पॉसिबल नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा चलो फाइनली आपके साथ शेयर कर देती हूँ वो सारे ड्रेसेस। इससे पहले मैंने शेयर किए हुए हैं बट आई थिंक आपने वो व्लॉग नहीं देखा होगा, इसी वजह से आप लोगों को नहीं पता। तो चलिए मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ अभी। तो ये है गाइस फर्स्ट ड्रेस, जो कि है अम्ब्रेला ड्रेस, और इतना प्यारा है कि आपको क्या ही बताऊँ। ये मुझे बहुत बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि इसका कपड़ा और मेन इसका घेर और इसका लुक इतना प्यारा आता है पहनने के बाद। जब मैं पहनती हूँ ना, तब आपको लगता है कि दी ये कहाँ से लिया, वो कहाँ से लिया, बट जब मैं आपको दिखाती हूँ तब इतना आप ध्यान नहीं देते हो। तो मैं आपको अभी बता रही हूँ कि आपको अगर लेना है तो आप अभी ले सकते हो, क्योंकि अभी सेल चल रहा है अमेजोन पे, तो आपको काफी कम प्राइस में ये मिल जाएगा। तो इसी वजह से मैं अभी दिखा रही हूँ आपको। तो यहाँ पर देखिए इतना ज्यादा घेर है इसे, जब आप पहनोगे ना बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। ऊपर से फिटेड और नीचे से फ्लेयर बहुत सुंदर लगता है गाइस। इस पे आप कोई भी कलर की चुन्नी ले सकते हो, मल्टी कलर की चुन्नी ले सकते हो, गोल्डन कलर की चुन्नी ले सकते हो, ब्लैक, कोई भी कलर की चुन्नी से आप इसे स्टाइल कर सकते हो। उसके नीचे आप चूड़ीदार लेगिन पहन सकते हो, बहुत सुंदर लगेगा गाइज ये। और कपड़ा तो बेस्ट है। उसी टाइप में मैंने ये लिया है, सबसे पहले मैंने येलो लिया था, ये मुझे बहुत पसंद आया था, तो इसमें मैंने व्हाइट मंगा लिया था क्योंकि मुझे व्हाइट चाहिए था। और येलो भी सेम है, इसके बारे में बताने की जरूरत ही नहीं है, इतना ज्यादा अच्छा है, आपने देखा ही है। शायद मैंने पता नहीं अभी 3-4 ब्लॉग पहले ये पहना था, हाँ हाँ राखी वाले ब्लॉग में पहना था, वो आपको बहुत ज्यादा पसंद आया था और इतने लोगों ने मुझे लिंक मांगी इसकी कि मैंने सोचा चलो आपको अभी दिखाई देती हूँ ये वाला पे। और इतना फेवरेट है मेरा ये ड्रेस, येलो कलर वैसे भी मेरा फेवरेट है, आपको तो पता ही होगा, बहुत कम पहनती हूँ इसे और मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। जो भी हमें बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं ना कपड़े, मतलब थोड़ा सा उसको हम लोग संभाल संभाल के रखते हैं, तो ये वाला ड्रेस उसी टाइप में है। और उसके बाद जो है वो ये है,
शायद मैंने ये दीपाली के हेयर कट वाले ब्लॉग में, हाँ दीपाली के हेयर कट वाले ब्लॉग में, और उस टाइम भी इतनी सारी कमेंट दी, आपने ये ड्रेस कहाँ से लिया, आपने आप इसकी लिंक दो, ये सॉरी उल्टा था तो इसी वजह से सीधा कर रही हूँ। तो इसी वजह से मैंने सोचा चलो ये भी आपको दिखा देती हूँ इसमें कि ये मैंने कहाँ से लिया। ये भी मैंने अमेजोन से लिया है गाइज, और ये इडालिया का है, बहुत ही ज्यादा अच्छा कपड़ा है, बहुत ज्यादा घेर है इसमें, और इसकी जो स्लीव्स है वो मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी। यहाँ पर इलास्टिक दिया हुआ है, पफ वाली, मतलब ऐसे थोड़ी सी मतलब पफी पफी वाली स्लीव्स है इसकी। पीछे जिद दी हुई है, इसकी वजह से इसकी फिटिंग काफी ज्यादा अच्छी आती है। उसके बाद यहाँ पर राउंड नेक है, इस तरह से ऐसे कट दिया हुआ है यहाँ पे, बहुत ही सुंदर ड्रेस है गाइज। इस पे गोल्डन प्रिंट की हुई है तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है ये वाला ड्रेस। और स्काई ब्लू कलर में मेरे पास कोई भी कुर्ता नहीं था, इसी वजह से मैंने ये वाला कुर्ता मंगा लिया था, और मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है ये वाला कुर्ता भी। उसके बाद जो है मेरा फेवरेट ये वाला कुर्ता जो मैं आपको अभी दिखा रही हूँ, इतना सुंदर है कि आपको क्या ही बताओ। ये देखो इसकी जो चुन्नी है वो कुछ इस तरह से है, बेज कलर की चुन्नी है, बहुत ही प्यारी चुन्नी है, प्रिंटेड चुन्नी है, ये गोल्डन प्रिंट वगैरह है इस पे। इसके नीचे आप गोल्डन लेगिन पहन लोगे ना, बहुत ही सुंदर लगेगा कुर्ता। स्लीव्स कुछ इस तरह से है, ये कोसिया या क्या बोलते हैं उसे, इसका मटेरियल मुझे अभी याद नहीं आ रहा है इसका कौन सा मटेरियल है, बट बहुत ही सुंदर कुर्ता है गाइस ये। अभी देखो इसका घेर कितना ज्यादा अच्छा है, सिर्फ माइनस पॉइंट इसका ये है कि ये थोड़ा सा सी थ्रू है, इसके अंदर आपको कोई भी इनर स्पगेटी पहननी पड़ेगी तब जबकि इसके ऊपर आपको ये पहनना पड़ेगा, और ये मैंने अभी तक नहीं पहना है। इसका टैग वैसा का वैसा ही है, वो तीनों भी पहन चुकी हूँ मैं, बट ये अभी तक नहीं पहना है। इसका मैं वेट कर रही हूँ पहनने का, क्योंकि कोई अच्छा सा फंक्शन आया उसमें मैं ये पहनूं, क्योंकि मुझे ये बहुत ही ज्यादा पसंद है गाइज। तो ये है मेरा लास्ट फेवरेट कुर्ता। इससे भी ज्यादा है और कुर्ते हैं, बहुत सारे कुर्ते हैं मेरे पास, इससे भी ज्यादा फेवरेट कुर्ते हैं, बट जो मोस्ट फेवरेट होते हैं ना वो वाले ये कुर्ते हैं। तो गाइज आई होप आपको ये पसंद आया होंगे सारे कुर्ते, और हाँ इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आपको अगर परचेस करने हैं तो आप अभी परचेस कर सकते हो, अच्छी खासी डील आपको मिल जाएगी। अभी अमेजोन पे सेल चल रहा है तो अमेजोन के सेल का फायदा उठा सकते हो आप। इसके सेपरेट लिंक भी मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और एक माय हॉल स्टोर का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उस एक लिंक पे क्लिक करके आप इन सारे प्रोडक्ट को देख सकते हो उसमें ही।